नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में नई तो नहीं है बट बहुत एडवांस तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा हम बहुत कम सर्जिकल टाइम में इम्प्लांट लगा पाते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को इम्प्लांट लगा के खाना खिला सकते हैं। इस तकनीक का नाम है ऑल ऑन फोर। ये एडवोकेट राजेंद्र कुमार जी हैं जो मेरे पास 3-4 दिन पहले आए थे, तब के इनके फोटोग्राफ्स हैं। मुंह में मुश्किल से 6-7 दांत ऊपर बचे हुए, 6-7 दांत नीचे बचे हुए। खाना खाने में इनको बड़ी तकलीफ थी कि अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे थे। कुछ दांत मोबाइल थे, कुछ गले हुए थे, कुछ ब्रिज लगा हुआ है जो टूटा हुआ था। लुकिंग भी बहुत अजीब सी थी, बोली भी क्लियर, स्पीच भी नहीं थी। चूँकि ये प्रोफेशन से वकील है, ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते। इनकी फर्स्ट डिमांड थी कि साहब मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि मैं 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, मेरे दांत भी निकल जाएं सारे, मेरे दांत भी लग जाएं और 4 दिन में मैं खाना भी खा पाऊँ। हमने ये चैलेंज के साथ लिया कि हाँ, ऐसा संभव है। इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में कुछ तकनीक ऐसी आ चुकी हैं जिसके द्वारा हम आपको इम्प्लांट लगा पाएँ और 3-4 दिन बाद आपके दांत भी लग जाएंगे। आपने इनके पुराने फोटोग्राफ्स देखे 4 दिन पहले के, फिर हमने ये एक्सरे करवाया तो एक्सरे कराने के बाद हमें पता चला कि इनके पीछे तो बिल्कुल भी हड्डी नहीं है, कि पीछे जबड़े में, ऊपर के जबड़े में हम पीछे इम्प्लांट डालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि केवल आगे आगे हड्डी बची हुई है। अगर हमें पीछे भी इम्प्लांट डालना है तो हमें जाइगोमेटिक जैसी बड़ी सर्जरी में जाना होगा, लेकिन इनको क्विक ट्रीटमेंट चाहिए और तुरंत ही दांत भी लगने चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने डिसाइड किया कि इनके ऑल ऑन फोर तकनीक का यूज़ करते हैं। 4 इम्प्लांट केवल आगे आगे डालेंगे और 4 इम्प्लांट के बाद 3 दिन बाद हम इनको खाना खिला पाएंगे। व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके हड्डी कम भी हो तो आप घबराएं नहीं, उसमें आसानी से इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा। और हम इस केस में ऑल ऑन फोर तकनीक से ही इनको डेंचर लगाएंगे। ये इनके नीचे का जो है, जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं, इनके 6 दांत बचे हुए हैं जो भी काफ़ी गले हुए हैं। हमने उसी दिन सर्जरी में इनके ये दांत निकाल दिए। निकालने के बाद ये आप पोजिशन देख रहे हैं, निकले हुए दांत, इनके 4 इम्प्लांट प्लेस कर दिए। ये नीचे के जबड़े में 4 इम्प्लांट हैं। उसी दिन थोड़ा रेस्ट करा के इस सारी सर्जरी में जो टाइमिंग लगा वो करीबन 1 घंटे का था, और 1 घंटे के बाद हमने इनको 1 घंटे का और थोड़ा रेस्ट करा के ऊपर के जबड़े में, ये ऊपर के जबड़े के जो इनका आर्टिफिशियल ब्रिज था ये पूरा निकाल दिया। और आर्टिफिशियल ब्रिज निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं कि 4 इम्प्लांट हमने ऊपर डाल दिए। तो इस तरह से 8 इम्प्लांट पर ये पूरी सर्जरी हो गई। करीबन 1 घंटा नीचे के जबड़े में लगा और 1 घंटा ऊपर के जबड़े में लगा। उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत हल्की सी कोई स्वेलिंग नेक्स्ट डे रही है और 3 दिन बाद आपके सामने पेशेंट है ही। ये उसका पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे है जिसमें आप ये देख सकते हैं, देखिए 4 इम्प्लांट हमने ऊपर डाले हैं, 4 इनके नीचे इस एक्सरे में आपको दिख रहे हैं। इन 4 इम्प्लांट डालने के बाद हम पेशेंट को घर भेज देते हैं कि आप घर जाइए और 3 दिन के बाद आपके हम जबाड़ा लगा देंगे। उसी दिन हम इनकी, जिस दिन हम सर्जरी करते हैं शाम को, हम इनके मेजरमेंट्स वगैरह ले लेते हैं ताकि हम लेबोरेटरी में जबड़ा तैयार कर सकें। और आप ये देख रहे हैं, ये इनका आर्टिफिशियल जो हमारे पास तैयार होकर आ गया है 3 दिन बाद, और ये 4 इम्प्लांट्स, ये मॉडल है इनका जिस पर ये 4 ऊपर के जबड़े में, 4 ही नीचे के जबड़े में इम्प्लांट्स लगे हुए आपको दिख रहे हैं। ये मॉडल तैयार किया है और ये हमारे पास ये डेंचर आ चुका है। अब इस डेंचर को हम इनके फिक्स कर देंगे। आप ये देखिए, मुँह खोले आप इनको देख सकते हैं कि अभी इनके स्टिचेस भी रिमूव नहीं हुए हैं, अभी 4 इम्प्लांट लगे हुए हैं और उनके ऊपर हीलिंग कैप हम लगा रखे हैं। अब हम कुछ देर बाद इनके हीलिंग कैप हटाएंगे और ये जबड़ा हम इनके प्लेस कर देंगे। तो चलिए सर, चलते हैं, अब आपके डेंचर लगाते हैं। 3 दिन पहले मैंने इनकी ऑल ऑन फोर सर्जरी की थी और 4 इम्प्लांट मैंने ऊपर डाले हैं, आप देख सकते हैं 4 इम्प्लांट्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है इसमें कहीं कोई रेडनेस नहीं, कोई इन्फ्लामेशन नहीं। और ये मुँह खोली सर, और ये नीचे के आप 4 इम्प्लांट नीचे देख सकते हैं, ये 4 इम्प्लांट्स हैं। इन इम्प्लांट्स को हमने हीलिंग कैप से कवर कर रखा है ताकि 3 दिन के अंदर कोई इन्फेक्शन इम्प्लांट के अंदर ना जाए, कोई ब्लड, कोई सॉफ्ट टिश्यू वगैरह इम्प्लांट के अंदर ना जाए, इसलिए इसको कवर रखते हैं। अब मैं इनको, ये इम्प्लांट के ऊपर हीलिंग कैप्स होती हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ।
सर किसी तरह का कोई दर्द रहा आपको अभी निकालने में? नहीं। अब देखिए मुंह खोलिए, ये इम्प्लांट को मैं टच कर रहा हूँ, कहीं दर्द है आपको? यानी हमारे इम्प्लांट अच्छे से प्लेस हो चुके हैं, अच्छी सर्जरी हो चुकी है, कोई किसी तरीके का दर्द नहीं है। ये डेंचर है, इस डेंचर को हमने लेबोरेटरी में पहले से ही तैयार करा रखा है, ये इनका मॉडल है, ये चार इम्प्लांट इसमें लगे हुए हैं और अब इस डेंचर को स्क्रू के थ्रू हम उन इम्प्लांट्स पर फिक्स कर देंगे। अब देखिए ये चार स्क्रू होते हैं इसके अंदर, उस स्क्रूज को हम ऑल ऑन फोर के इम्प्लांट में लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने इनको स्क्रू को टाइट कर रहा हूं और देखिए मैं कितना भी टाइट कर रहा हूं इनके कोई किसी तरीके का दर्द नहीं है, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ये देखिए मैं खूब टाइट कर रहा हूं इसको, जितना मैक्सिमम टाइट करते हैं लेकिन किसी तरह का कोई दर्द फील नहीं होता है पेशेंट को। देख लीजिए ये मैंने नीचे का फिक्स कर दिया है, अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कहीं कहीं हिल नहीं रहा। दबाने पर आपको दर्द हो रहा है सर? कहीं दर्द है? नहीं। ये देखिए मैं अच्छे से दबा पा रहा हूँ, कहीं कोई दर्द नहीं है। ये सिचुएशन आई है केवल 3 दिन के बाद सर्जरी के बाद भी, ठीक उसी तरीके से ऊपर हमने ये चारों हीलिंग कैप्स लगा रखी हैं। इम्प्लांट को कवर कर रखा है इन्होंने, मैं इसको निकाल रहा हूँ ताकि इम्प्लांट पर हम डेंचर लगा सकें। अब हम ऊपर वाले इस आर्टिफिशियल डेंचर को स्क्रूड कर देंगे। देखिए कोई दर्द नहीं है। ये देखिए मैं इसको पूरी तरह टाइट कर दिया हमने चार स्क्रू पर, बंद करिए। अब आप हमारे व्यूवर्स को स्माइल करके दिखा दीजिए। अब इनका मैंने आर्टिफिशियल दोनों डेंचर फिक्स कर दिए हैं ऊपर और नीचे के। ये देखिए बिल्कुल, मुंह खोलिए, कहीं कोई नहीं हिल रहा है क्योंकि हमने स्क्रूड कर दिए, बिल्कुल फिक्स है। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ये देखिए बंद करिए सर। ये इनका ऑक्लूजन है, यहाँ से ये खा सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर का है, ये लोअर टीथ है। अब देखिए हमने इनके आर्टिफिशियल डेंचर फिक्स कर दिया है और डेंचर फिक्स करने के बाद 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लुकिंग, क्या वो दिखने में सही तो दिख रहा है ना? अंकल जरा स्माइल करके दिखाइए आप। बिल्कुल आप देख सकते हैं इनकी स्माइल, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा है आपको, कहीं कहीं पर किसी जगह में दबा रहा हूँ तो कहीं दर्द हो रहा है? आप खुद दबाइए इसको अच्छे से, दोनों को टाइट कीजिए, कहीं दर्द हो रहा है? आप इस चारों तरफ से देखिए कॉन्टेक्ट में है सारे टीथ, ये देख लीजिए इस साइड से। अच्छा तीसरी चीज़ स्पीच, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोलने में कहीं तुतला रहे हों को, क्योंकि कोई भी जब नई चीज़ लगती है या नया डेंचर लगता है तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हमारा परफेक्शन ऐसा है कि हम प्रॉपर बाइट लेकर के प्रॉपर हाइट के टीथ लगाते हैं ताकि इनको कम से कम अनईजी फील हो, लगते ही ये अपने उच्चारण अच्छे से बोल पाएँ। इसके लिए हम इनको कुछ शब्द बुला करके हम देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर हैं, इनकी कुछ हेडलाइंस हम पढ़वा सकते हैं। आप कुछ पढ़ के देख लीजिए, अभी आपका लगा है। भारत ने गुलाबी गेंद से दूसरा सबसे छोटा मैच जीता, सिर्फ 2 दिन 44 मिनट चला। ईशांत मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बने। मैच में 9 विकेट लिए। टीम इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक 7 टेस्ट खेले, सभी जीते हैं। थोड़ा पुराना पेपर, पुरानी न्यूज़ है, बट आपने देखा इन्होंने अच्छे से इसको पढ़ा है, किसी शब्द में अटके नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम बुलवा करके देखते हैं, मैं वो भी बुलवा के देख सकता हूँ। बोले सर मिस्सी सिप्पी, मिस्सी सिप्पी क्षण
क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण माल्यार्पण माल्यार्पण ये सबसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जिससे हमें ये पता लग पाता है कि इनका उच्चारण ठीक ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने देखा कि ये सारे शब्द अच्छे से बोल पा रहे हैं। अब चौथा है कि क्या ये खा पाएंगे, तो हम ग्राइंडिंग कैपेसिटी भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लीजिए सर इसमें से कुछ खा करके देख लीजिए। ये चने हैं जो हम खिला करके देख रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर चने खा लिए तो सब चीज़ें आसानी से खा पाएंगे। ये जो ग्राइंडिंग देख रहे हैं आप ये मत भूलिए कि 3 दिन पहले ही सर्जरी हुई है और 3 दिन के बाद हमने आज इनके डेंचर लगाया है और आज ये अच्छे से खा पा रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इम्प्लांट से डरिए मत। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई कि आप सर्जरी कराते हैं और 3 दिन के बाद आपका डेंचर लगता है और आप फंक्शनली उसको यूज कर पाते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता था कि 3-4-6 महीने आपको वेट करना पड़ता था इम्प्लांट जब तक हड्डी में फिक्स हो जाते थे, फिर उसके बाद डेंचर लगाते थे तब हम खाने के लिए अलाउ करते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ यूडेंट में आपको सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको ट्रीटमेंट मिलता है और हम उसका यूज करते हैं ताकि पेशेंट अच्छे से खाना खा पाए और उसका टाइम खराब ना हो। अभी आप दिखाएं ग्राइंडिंग, ये देखिए बहुत अच्छे से। कोई दर्द हो रहा है आपको? आराम से चबा पा रहे हैं? दिखाइए जरा क्या क्या कितना ग्राइंड किया आपने। ग्राइंड करके एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा सा चूर्ण हुआ है चनों का, यानी कि ये अच्छे से खा पाएंगे। इसीलिए इस ट्रीटमेंट की यही ब्यूटी है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपने बहुत दिनों बाद चने खाए होंगे। क्योंकि पहले आपके दांत इस जो नेचुरल टीथ थे वो काफ़ी हिल रहे थे, तो चने और मूंगफली वगैरह ये खाए हुए तो आपको काफ़ी दिन हो गए होंगे। तो आज आपको कैसा फील हो रहा है इतने दिन बाद आपने चने खाए? अच्छा फील हो रहा है कि सर्दियों के टाइम में मूंगफली और गजक खा सकेंगे। हाँ, तो मूंगफली और गजक के बड़े शौकीन हैं वकील साहब, तो बड़े खुश हैं कि चलो अब ये सब चीज़ें जो इनकी मनपसंद चीज़ें हैं ये उनका लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए, मेरी तरफ से राजेंद्र जी का ये ट्रीटमेंट बिल्कुल डन है। अच्छे से इन्होंने अभी खा के देख लिया। अब हम जरा इनको खाना खिला कर भी देख लेते हैं और फिर अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ डेंटिस्ट्री की। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राजेश गुप्ता। मेरा 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं 3 दिन बाद आपके वैशाली नगर के यूडेंट हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में बैठ के खाना खा सकूंगा। थैंक यू वेरी मच।